वहीं इस मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और उन्हें अपना मित्र बताते हुए कहा है कि वे काफी अच्छा काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बीच चीन के संदर्भ में भी एक बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि मौजूदा वक्त में चीन ऐसा देश है जिसकी चर्चा रूस से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि चीन जो काम कर रहा है काफी बदतर है। ट्रंप ने फिर से एक बार कोरोना वायरस पर तंज कसते हुए इसे चाइना वायरस बताया और कहा कि दुनिया को देखना चाहिए कि चीन ने वायरस को लेकर क्या किया है। दुनिया के अंदर उसने 188 देशों के साथ क्या किया है, इसे देखा जाना चाहिए। ट्रंप ने आगे कहा कि भारत चीन की जो तनावपूर्ण स्थिति है ये गंभीर है और हम भारत और चीन की मदद में खड़े हैं। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो दोनों की मदद में हमें खुशी होगी। ट्रंप ने कहा कि भारत चीन तनाव के मुद्दे पर उनकी दोनों देशों के साथ बातचीत चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि हमें भारत और पीएम मोदी की ओर से बहुत समर्थन मिला। मेरा विचार है कि भारतीय लोग मुझे वोट देंगे। मैंने कोरोना महामारी से पहले भी कहा था कि वहां के लोग बहुत भरोसेमंद हैं और आप लोग यानी भारतीयों को एक महान नेता मिला है जो कि महान इंसान भी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने आशा जताई है कि भारतीय लोग उन्हें बड़ी तादाद में वोट देंगे। तो एक तरफ जहां भारत और चीन की मदद करने की बात कही और साथ ही अपना एजेंडा भी ट्रंप ने दिखा दिया, उन्होंने भारतीय लोगों के वोट मिलने की संभावना और उनसे वोट दिए जाने की अपील भी कर दी।